हेलो गाइज, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए फ्यूचर टेंस के बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन परिभाषा, प्रत्येक काम किसी न किसी समय टाइम में होता है। वर्ब क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम किस समय टाइम में हुआ, उसे काल यानी टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस के चार भाग होते हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान, ऐसी वर्ब्स क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि अक्षर आते हैं। वाक्य बनाने के नियम, ए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर उसके पहले विल या शैल लगा देते हैं। बी, निगेटिव वाक्य बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। सी, इंट्रोगेटिव में शैल या बिल का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। डी, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द जैसे वाई, वेन, वेयर, हाउ आदि हो तो इन्हें वाक्य के शुरू में लगाते हैं। विल और शैल का प्रयोग भविष्यकाल फ्यूचर टेंस प्रकट करने के लिए फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल और सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे के साथ विल का प्रयोग होता है। यदि कहने वाले की इच्छा, इरादा, धमकी, प्रतिज्ञा आदि प्रकट करना हो तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होता है। सेंटेंसेस, फर्स्ट, मैं तुमको 10 रुपये भेजूँगा। आई शैल सेंड यू 10 रुपीज। दूसरा सेंटेंस है, हम मैच नहीं खेलेंगे। वी शैल नॉट प्ले ए मैच। तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम कल यहाँ आओगे? विल यू कम हेयर टुमारो। चौथा सेंटेंस है, तुम मुझे कब पढ़ाओगे? वेन विल यू टीच मी। पांचवा सेंटेंस है, मैं आज स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल टूडे। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भविष्यकाल में काम का जारी होना पाया जाता है, इसलिए ऐसे टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान, ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों में समय की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दी जाती, किंतु काम चालू रहने का समय, पॉइंट ऑफ टाइम दिया जा सकता है। वाक्य बनाने के नियम, ए, प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब के अंत में आईएनजी लगाकर उसके पहले शैल बी या विल बी लगाते हैं। वी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल या शैल सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। सी, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले विल या शैल तथा सब्जेक्ट के बाद में नॉट भी लगाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं कल यहाँ आ रहा हूँगा। आई शैल बी कमिंग हेयर टुमारो। दूसरा सेंटेंस है, सीता उस समय चाय पी रही होगी। सीता विल बी टेकिंग टी एट दिस टाइम। तीसरा सेंटेंस है, वे धूप में नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग इन द सन। चौथा सेंटेंस है, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँगा? शैल आई वी राइट ए लेटर। पांचवा सेंटेंस है, क्या पुलिस गश्त नहीं लगा रही होगी? विल द पुलिस नॉट बी टेकिंग ए राउंड। छठा सेंटेंस है, इस समय राम कहाँ खेल रहा होगा?
वेयर विल राम बी प्लेइंग एट दिस टाइम। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स। ए, जब दो काम भविष्य में इस प्रकार हो कि एक काम समाप्त होने पर दूसरा शुरू हो, अतः जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसमें वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। बी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस कार्य में प्रयोग होता है जो भविष्य में किसी दिए हुए समय पर समाप्त हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में हिंदी में चुके होंगे, चुका होंगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं। वाक्य बनाने के नियम। ए, वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात फास्ट पार्टिसिपल लेकर उसके पहले विल हैव या शैल हैव लगाते हैं। वी, निगेटिव वाक्य बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। सी, इंट्रोगेटिव के लिए विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। डी, तक शब्द की अंग्रेजी हाँ वाले वाक्य में वाई और नहीं वाले वाक्य में टिल लिखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, राम के यहाँ आने से पहले मैं खाना खा चुकूँगा। आई शैल हैव टेकन द फूड बिफोर राम कम हेयर। दूसरा सेंटेंस है, घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुँच चुकेंगे। वी शैल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। तीसरा सेंटेंस है, परीक्षा शुरू करने से पहले राम अपना पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर चुकेगा। राम विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड हिज कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। चौथा सेंटेंस है, सीता 4 बजे तक पुस्तक पढ़ चुकी होगी। सीता विल हैव रीड द बुक बाई 4 o'clock। पाँचवा सेंटेंस है, वह आज अपना फॉर्म भर चुका होगा। ही मस्ट विल हैव फिल्ड हिज फॉर्म टूडे। छठा सेंटेंस है, क्या परीक्षा 30 अप्रैल से पहले समाप्त हो चुकी होगी। विल द एग्जामिनेशन हैव बीन ओवर बिफोर 30 अप्रैल। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम भविष्य काल में शुरू होकर भविष्य काल में ही कुछ समय तक जारी रहता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में समय दिया होता है। वाक्य बनाने के नियम। ए, वर्ब के अंत में आईएनजी लगाकर उससे पहले विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं। वी, निगेटिव वाक्यों में विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। सी, इंट्रोगेटिव वाक्यों में विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। डी, से की अंग्रेजी फॉर या सिंस लगाते हैं। तक की अंग्रेजी फॉर से और निश्चित समय के लिए टिल लगाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, वह 2 घंटे से लिख रही होगी। सी विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। दूसरा सेंटेंस है, वे शाम तक मैच खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग द मैच टिल इवनिंग। तीसरा सेंटेंस है, डॉक्टर 4 दिन तक नहीं आता रहेगा। द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन कमिंग फॉर 4 days। चौथा सेंटेंस है, क्या मीरा प्रातःकाल से कपड़े धोती रहेगी। विल मीरा हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस अर्ली मॉर्निंग। पांचवा सेंटेंस है, सूरज सवेरे से चमकता रहेगा। द सन विल कीप शाइनिंग सिंस मॉर्निंग। सो गाइज, ये थी फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी। मैं आशा करता हूँ गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मन में कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नॉलेजबल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।